किसानों को डंडे पड़े थे, पड़ जाए हमको इम्प्लॉय पड़ जाए मर जाए, हमने अपने बच्चों का सोचना है। आज से 10-12 साल पहले 4000 का जो एक गाड़ी का इंश्योरेंस जो होता था कमर्शियल व्हीकल का, आज वो 50,000 पे पहुंच गया। सोचो मोदी सरकार कहां तक पब्लिक को लूट रही है। जिस दिन सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियां बंद हो जाएंगी उस दिन पब्लिक की वो लुटाई होगी, लोग याद करेंगे, लेकिन ये टाइम नहीं आएगा, ये कंपनियां दोबारा नहीं आ पाएंगी। लोगों को 5 किलो राशन और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बीच में उलझा के रखा है, सरकार इतना बर्बाद कर देगी देश को, सार्वजनिक क्षेत्र बीमा को, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक को जिस दिन प्राइवेट कर दिया जाए ये देश बर्बाद हो जाएगा। 5 किलो राशन के ऊपर वोट दे देते हैं, उसको फ्री में बांटो, उसको फ्री में बांटो, अरे उसको बांटोगे हम भी कहाँ जाएंगे, हम भी तो अपने परिवार है, हमारे भी तो परिवार है। गरीब तो मर जाएगा, ना उसको स्वास्थ्य के लाभ मिल रहे हैं, ना उसको शिक्षा का लाभ मिल रहा है, सब कुछ बेचने पर लगी हुई है। कृषि कानून बना दो, किसानों की जमीन बढ़ा लो, हमको कहते वोट लो, 5 किलो राशन दो, वोट ले लो, तुम्हारी सरकार जिंदाबाद है। पब्लिक पागल है ना, पागल धर्म के नाम पे वो है क्या? जब देश ही बर्बाद रहे हो जाएगा तो हिंदू धर्म क्या करेगा? खेरी में जहाँ पे किसानों को मारा गया, ठीक है, वहाँ से वो बीजेपी जीत गई, तो हम क्या कहें उसको, हम इस गवर्नमेंट को क्या माने? यानी कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, सब कुछ मेरा। अगर हमारी कुछ कमी है तो उसको सुधारे ना, गवर्नमेंट सुधारे, क्योंकि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, हमें सुधारने की कोशिश करें। अगला कदम हमारा ये होगा कि हम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पूरी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ जैसे किसानों ने धरना दिया था उसी तरह हम यहाँ धरना देंगे। अभी तो डिप्टी का डेथ हुई है, उसका कपड़े जीएसटी दिए, पेमेंट किया उनको, सही बात है, बिल्कुल। वो तमाम सरकारी कंपनी जिनका लोगों से सीधा सरोकार है, लाखों कर्मचारी हैं जो अब रोड पे आकर दस्तक दी हुई हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, निर्मला जी के खिलाफ, वो पूछ रहे हैं कि जो चीजें, जो डिमांड्स हैं उनको लगातार बचाने की कोशिश की जा रही कि किस तरह से पीएसयूआई कंपनी बचाई जा सके। तो हमारे साथ तमाम वो लोग हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, कैसे इस कंपनियों को बचाया जा सके। नरेंद्र मोदी से, निर्मला जी से लगातार दरख्वास्त कर रही हैं, क्या कह रहे हैं सर आप लोग, क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जो बीमा कंपनियां वो मतलब देश में रहे। अगर सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो ये पब्लिक मतलब कहीं याद रखेगी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र जो कंपनियां थी वो उनके दावे जो आराम से सेटल करते थे, प्राइवेट कंपनियां तो सिर्फ कमाने के लिए आई हैं, सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों में मोदी आप बचा पाओगे? देखो हमारी कोशिश जारी है, हमें पता है मुश्किल, हर चीज 12 रुपया में एक पॉलिसी दे रहे हैं गवर्नमेंट, 2 लाख की, 12 रुपया में 2 लाख की, एक 12 रुपया दे, 2 लाख रुपया क्लेम दे रही है गवर्नमेंट सेक्टर दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं, इस बीच में हमारा नुकसान हो रहा है, ये गवर्नमेंट मोदी जी जेब से तो नहीं दे रहे पैसे, ये हमारे जीएसटी कंपनी दे रहे, ठीक है, तो नुकसान वो कह रहे हैं, नुकसान हो रहा है, आपके नुकसान कह रहे हैं, इसलिए आपको रिविजन नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं आपके कंपनी नुकसान पे है, आपको रिविजन इसलिए नहीं होगा, नुकसान किस लिए है? आपके पॉलिसी की वजह से, आपने ये पॉलिसी लेके आते हो मार्केट में, वो कौन देते हैं? वो जीआईसी देती है, जो जीआईसी कर्मचारी कंपनी है, बीमा हो छोड़े, बैंकों में जो पॉलिसी आती है सस्ते में वो सब हम लोग देते हैं, जीआईसी कंपनी देती है, तो जो चार कंपनी फायदे के लिए दे रहे, मोदी जी ये लागू करते हैं हमारे ऊपर, फिर हम अगर क्लेम पेमेंट कर रहे हैं और हमारा नुकसान हो रहा है तो कहते हैं आपके नुकसान कर रहे हो तो आपको रिविजन नहीं होगा, तो ये कौन सा कानून है? आप लेके आते हो सारी चीज़, आप ही लेके आते हो 12 रुपया पे बहुत सी दो, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, 20,000 करोड़ ऐसे जनधन योजना के तहत खोले गए प्रधानमंत्री जी ने, खोले 30,000 करोड़ अकाउंट, उनको 2-2 लाख के क्लेम 12 रुपये में हमने सेटल किए हैं, 12 रुपये में प्रीमियम पे, हर गरीब को जो जनधन योजना के तहत अकाउंट खुले थे ना सर, उसको 2-2 लाख का क्लेम जो क्लेम आया है वो सार्वजनिक बीमा कंपनी ने सेटल किया क्लेम उस पर। नेता हम लोग अपने वेतनमान को बढ़ाने के लिए बात करते हैं, मोदी साहब नेताओं के तो वेज रिविजन पूरा कर देते हैं, एक ताली में वेज रिविजन उनका हो जाता है, मनमर्जी के वेतन आयोग अपना लागू करते हैं, हम आए हैं, हम 24 घंटे काम करते हैं, कोरोना काल में हमारे हर एम्प्लॉय ने 24 घंटे की सर्विस दी है कि रात को 12-12 बजे तक लोगों की पॉलिसियाँ इशू की है, हमारा फिर भी साइड लाइन है, हम चाहते हैं कि हमारे वेतनमान को लागू किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण बंद किया जाए, इसके अगर ये हो जाता है तो पब्लिक की जो लुटाई होगी ना इस देश में आप सोच नहीं सकते।
जो प्रीमियम आज मेडिक्लेम का प्रीमियम है, गाड़ियों का प्रीमियम है, आज से 10 साल पहले 10-12 साल पहले 4000 का जो एक गाड़ी का इंश्योरेंस जो होता था कमर्शियल व्हीकल का, आज वो 50,000 रुपये पहुँच गया। सोचो मोदी सरकार कहाँ तक पब्लिक को लूट रही है। जिस दिन सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियां बंद हो जाएंगी उस दिन पब्लिक की वो लुटाई होगी, लोग याद करेंगे, लेकिन ये टाइम नहीं आएगा, ये कंपनियां दोबारा नहीं आ पाएंगी। अरे हम तो बस यही कहना चाहते हैं, हम जो हम लोग अपने संघर्ष, हाँ हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं वो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन हम एक पब्लिक जो हमारी आम समाज लोग हैं, पब्लिक है, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने उनको बहुत पुराना सपोर्ट दिया है, हम लोग को सपोर्ट करें, हमारी कंपनियों को सपोर्ट करें, इससे हम हमारी कंपनी डूबे ना, और वो भी लड़े हमारे साथ आगे। दौर में लगता है कि कोई पब्लिक आपके साथ होंगे, खास करके ऐसे माहौल में जहां हर एक इंसान टारगेटेड। नहीं, पब्लिक साथ क्यों नहीं होगी, पब्लिक हमारे पास आती है, हम लोग उसको सर्विस देते हैं, तो कम से कम पब्लिक को भी हमारे साथ होना चाहिए ना। प्राइवेट कंपनी में जाती है, प्राइवेट कंपनी लूट लेते हैं, पता नहीं चलता कब उनका इंश्योरेंस हुआ, पता नहीं कहां जा रहे हैं। हम लोग हमारे पास आते हैं, वो हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को सेवा देते हैं। हम लोग किसान फसल योजना दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, गवर्नमेंट हम लोग को कहती है फसल योजना दो, उसमें क्लेम होता है, क्लेम हुआ हम लोग की कंपनी डूब गई। लोगों को 5 किलो राशन और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बीच में उलझा के रखा है, बहुत बड़ी बात बोल दी, और देश को ये सरकार इतना बर्बाद कर देगी देश को। सार्वजनिक क्षेत्र बीमा को, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक को जिस दिन प्राइवेट कर दिया जाए, ये देश बर्बाद हो जाएगा। जो बचे और गेहूं पे भी ध्यान रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, हम गांव में जाते हैं, देखते हैं लोग 5 किलो राशन के ऊपर वोट दे देते हैं। नहीं, मेरा तो कहना है ये जो मोदी जी जो हम लोगों के लिए पॉलिसी लेके आते हैं, जो सस्ते में बीमा दो, वो मोदी जी को हम पेमेंट करते हैं ना, तो मोदी जी जेब से तो नहीं देते हैं ना, तो मोदी जी हमारे उल्टा हमें सपोर्ट करना चाहिए मोदी जी को, गवर्नमेंट सेक्टर को, उसके जगह वो क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर को बेचना चाहते हैं, बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, वो पैसे कहाँ क्या कर रहे हैं, पैसे को क्या बेच के क्या करो, पैसे को क्या कर रहे हैं, उसको फ्री में बांटो, अरे उसको बांटो के हम कहाँ जाएंगे, हम भी तो अपने परिवार है, हमारे भी तो परिवार है, हमें भी तो करना है। अगर जो आपने बीमा लेके आ रहे हो, पैसा सस्ते में जो लोगों को बीमा देना है वो कौन करता है, वो सरकारी लोग ही कर सकते हैं, प्राइवेट लोग नहीं करेंगे इस चीज़ को, ये सरकारी बीमा ही कर सकते हैं। जो 12 रुपये का पॉलिसी, ग्राम्य बीमा योजना, ये सब जो चीज़ है, सस्ते चीज़ है, पब्लिक जो गरीब तो मर जाएगा ना, उसको स्वास्थ्य के लाभ मिल रहे हैं ना उसको शिक्षा का लाभ मिल रहा है, ये दोनों चीज़ों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बस सब कुछ बेचने पर लगी हुई है। कृषि कानून बना दो, किसानों की जमीन हड़प लो, हमको कहते हैं वोट लो, 5 किलो राशन दो, वोट ले लो, तुम्हारी सरकार जिंदाबाद है। पब्लिक पागल है ना, पागल धर्म के नाम पे वो है क्या, जब देश ही बर्बाद रहे हो जाएगा तो हिंदू धर्म क्या करेगा। खेरी में जहाँ पे किसानों को मारा गया, ठीक है, वहाँ से वो बीजेपी जीत गई, तो हम क्या कहें उसको कि भाई अपना जो है, हाँ नहीं नहीं, और जो अपना जिसने मारा उसको जो है इलेक्शन से पहले अपना जो है रिहा कर दिया गया, तो हम इस गवर्नमेंट को क्या माने, यानी कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, सब कुछ मेरा। कोई भी मीडिया हमारी बिकी हुई है, नेशनल मीडिया, कोई भी मुद्दा जो होता है इलेक्शन के टाइम पे, दो सुशांत राजपूत 2-4 मुद्दे लेके बैठे, 2 महीने तक उसी पे चर्चा चलती रहती है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती है, चर्चा हो रही है आजकल, कश्मीर फाइल पे चर्चा हो रही है, हमें पता है कश्मीरी हमारे भाई हैं, भूल गए वो कश्मीरी जिन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट की बुराई करते हैं, आपस में कांग्रेस खराब है, मुस्लिम खराब है, ये कश्मीरी भूल गए कि भाई उनको जो टैक्स में छूट दी जाती थी, अगर किसी को याद हो इनकम टैक्स में छूट मिलती थी कश्मीरियों को पूरी, किसने बंद किया, बीजेपी सरकार ने बंद किया, आज ये कश्मीर बचाने की कोशिश करें, लेकिन मोदी सरकार नहीं। देखिए मोदी जी को तो हमने ही वोट दिया है, आपने भी दिया, बिल्कुल दिया था, इस बार आए का, पिछले बार भी दिए थे हमने, हाँ जो वोट हुआ था, हमने मोदी जी को लेके आए थे कि हमारे लिए अच्छा बनेगा, वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लीडर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे उतरने वाले हैं, अब हम लोग ही जाने वाले हैं, मतलब ऐसे हालात हो गया हमारे। सर के जो हमारी मोदी सरकार है, जो ये कहते थे कि जी मैं अपना एक चाय वाला हूँ, एक श्रमिक का बेटा हूँ, तो वो श्रमिक, हाँ देश नहीं बिकने दूंगा, श्रमिक के अपना वेतन पे, श्रमिक की अपना जो श्रम पे, उसकी कीमत पे अपने देश को चला रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं जब अब महंगाई इतनी हो गई है, तो महंगाई से लड़ने के लिए वेतन बढ़ोतरी तो जरूरी है ना, तो वो तो कम से कम दीजिए।
हमारे अगर हमारे कुछ कमी है तो उसको सुधारे ना, गवर्नमेंट सुधारे, क्योंकि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, हमें सुधारने की कोशिश करें। क्या करोगे अगर नहीं? अगला कदम हमारा ये होगा कि हम अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को पूरे, मैं चंडीगढ़ से आ रखा हूँ, हरियाणा पंजाब जे एंड के का मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, मैं पूरा हरियाणा पंजाब जे एंड के से अपने पूरी फैमिली को लेकर यहाँ, जैसे किसानों ने धरना दिया था उसी तरह हम यहाँ धरना देंगे। सर, किसानों को डंडे पड़े थे, पड़ जाए, हम गो इम्प्लॉय पड़ जाए, मर जाए, हमने अपने बच्चों का सोचना है, हमारे बच्चों का भविष्य देखना है हमने। अगर आज ये हाल है, कल को हक के ले दो, बिल्कुल आज भी तो आए सामने पुलिस खड़ी है, आज भी अगर डंडे पड़ जाए तो हम आज भी डंडे खाने को तैयार है, लेकिन हम गलत काम नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। मोदी जी को ये भी कहना चाहेंगे सर, जैसे हमने आपको प्यार से इस सीट पे बैठाया है, जैसे बैठाया है तो हमें इतना नीचे मत गिराइए कि हम उस सीट से आपको उतारे। सरकार से कुछ क्वेश्चन है, अगर हमें प्राइवेट कर दिया तो जितनी भी जो वेलफेयर जो स्कीम्स हैं वो प्राइवेट इंश्योरेंस सेक्टर कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा ना, 12 रुपए में 2 लाख करेगा कौन? करेगा वही पूछा, कौन? दूसरा सेकंड नरेंद्र मोदी का इंश्योरेंस किया हमने क्या? अभी जो बिपिन रावत का, अभी जो बिपिन रावत की डेथ हुई है उसका कवरेज जीएच ने दिया है, पेमेंट किया उनको। सही बात है, बिल्कुल उनका पेमेंट जो जीएससी कंपनी ने किया, रावत जीएससी ने, जीएससी कम हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से है। 10वें से 9 एम्प्लॉय का बीमा यूनाइटेड इंडिया ने और एक का न्यू इंडिया ने जो किया था वो विदिन 24 आवर्स सेटल किया है। नरेंद्र मोदी को बीमा की जरूरत नहीं ना। जो डिस्टर्ब एरिया है जैसे कश्मीर में, वहाँ पे कई इंश्योरेंस स्कीम चल रही है जो सिर्फ और सिर्फ पीएसयू कर रहे हैं। या तो आप हमें ना प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलो और तब हम प्रॉफिट मेकिंग करेंगे, हम ये वेलफेयर स्कीम को छोड़ेंगे और उसके बाद हमें वेज डिविजन दो, या फिर अगर हम लोग वेलफेयर स्कीम के लिए हैं, अगर हम गवर्नमेंट का एक हिस्सा है तो हमें उस तरह से ट्रीट किया जाए। फिर हमें क्यों कहा जाता है कि आपका प्रॉफिट नहीं है? या तो हम यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हैं, यहाँ पे समाज सेवा के लिए, हमारा जो रोल है गवर्नमेंट वो डिफाइन करे और उसके बाद हमें वेज डिविजन भी दे। साथियों, ये जो दौर है कि निजी कंपनियां अपना प्रॉफिट कमाती हैं वो जनसेवा कभी नहीं कर सकती, ये कटु सत्य है, क्योंकि जो सरकारी कंपनियों को लाया गया वो समाज सेवा के लिए ही लाया गया था 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा, जब ये प्राइवेट कंपनियां पूरी जनता का पैसा खा करके अपनी प्राइवेट कंपनियां खोल करके उनको प्रॉफिट दे रही थी, जब जनता को सर्विस नहीं मिल रही थी तभी 1972 में ये इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। हर राज्य में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना अलग अलग नामों से चलती है, वो सिर्फ और सिर्फ पीएसयू दे रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी का कोई भाग्य उसमें भागीदारी नहीं है। और जब हम लोग केआरए कर रहे होते हैं उसमें हमें है ना जो लॉस रेशियो हम टारगेट देते हैं वो 100% देते हैं, यानी गवर्नमेंट को पहले ही पता है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में कोई भी कमाई नहीं है, उसमें क्लेम 100% और मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस अलग। हम यहाँ पे पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, मोदी सरकार ने सब्सिडी, गैस सब्सिडी वॉलंटरी वापस की। पेंशन क्या करेंगे तो फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ पेंशन स्कीम है जो उसके अगेंस्ट है। हमें एक राज्य नहीं, हमें देश पूरे देश में पुरानी पेंशन चाहिए। जैसे गैस सब्सिडी लोगों से वापस करवाई है, क्या कोई नेता है हमारा? जिस तरीके से सरकारी कंपनियों की लड़ाई जो है अब रास्ते पे आ चुकी है, ऐसा लग रहा है कि देश बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये लोग देखिए बड़े सताए हुए लोग हैं और लगातार मोदी सरकार से दरख्वास्त कर रही है कि जो एक विधिवत व्यवस्था है उसको लागू किया जाए ताकि आम जनता की जान बच सके और 12 रुपए में 2 लाख का क्लेम मिल सके। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। रावत साहब वो भी एक बड़े एग्जाम्पल है, उनकी भी पॉलिसी यहाँ से ही हुई है, एक बड़ा उदाहरण है यहाँ।